फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं दो सॉकेट और दो स्विच के कनेक्शन कैसे करते हैं, यानी कि हमें दो सॉकेट वाला एक एक्सटेंशन बोर्ड बनाना है और उसके अंदर क्या है, एक सॉकेट के साथ एक स्विच लगाना है और दूसरी सॉकेट के साथ दूसरा स्विच लगाना है। तो इसकी वायरिंग किस तरह से करनी है, इसके कनेक्शन किस तरह से करने हैं, आज की इस वीडियो में आप ये सीखने वाले हैं। तो हमारे पास ये एक 6 मॉड्यूलर की सीट है। मैं फ्रेंड्स आपको बता देता हूं इसके अंदर 6 मॉड्यूल का मतलब क्या होता है। जो एक स्विच होता है फ्रेंड्स, ये एक मॉड्यूल होता है, ठीक है, और जो हमारी सॉकेट होती है ये 2 मॉड्यूल की होती है, क्योंकि जो सॉकेट है वो ऐसे ऐसे स्विच की दो स्विच की जगह लेती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक स्विच ये लग गया और एक ये लग गया, तो ये अभी 2 मॉड्यूल की हो गई है। तो हमारे पास ये 6 मॉड्यूल की सॉकेट सीट है। तो इसके ऊपर हम कुछ इस तरह से इसको लगाएंगे, जो हमारे ये इसके सॉकेट के लॉक होते हैं ये इसके अंदर फिक्स हो जाते हैं। नीचे इसको दबा के इस तरह से प्रेस करके, और बिल्कुल आसान नहीं होती इसको लगाना, ठीक है, ये लग गया है। और फ्रेंड्स इसके साथ हमें, जैसे इसके साथ ही स्विच लगाना है, तो स्विच का जो नीचे का हिस्सा है वो कौन सा रखना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो आप ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल एक लाइन सी लगी हुई है यहाँ पे, आपको देख सकते हैं ये एक छोटी सी लाइन है, इसको नीचे रखना होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसको एक साइड से इस तरह करके और इसका लॉक थोड़ा प्रेस करके इसको सेट कर देंगे। तो इसी तरह से हम दूसरे भी लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं हमने ये 2 सॉकेट और 2 स्विच लगा लिए हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना, और आपके मन में कोई सवाल सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। अगर आपके मन में कोई टॉपिक भी चल रहा है, किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप टॉपिक के समेत कमेंट कर सकते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो हम उस पे वीडियो बनाएंगे। तो फ्रेंड्स हमने ये इसको फिट कर लिया है। इसके ऊपर की केसिंग होती है फ्रेंड्स, इसको केसिंग को हम सबसे लास्ट में लगाते हैं, क्योंकि इसको जब बॉक्स के ऊपर टाइट करेंगे तब इसके यहां से इसके 2 स्क्रू टाइट करेंगे, तब इसके ऊपर ये लगा देंगे ताकि कोई स्क्रू वगैरह ना लगे और लुक में अच्छी आए। तो अब इसकी वायरिंग करने के लिए सबसे पहले हम इसको उल्ट लेते हैं, पलट लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो सॉकेट होती है वहां पे सॉकेट के 3 टर्मिनल होते हैं, 1, 2, 3, ठीक है। ऊपर का टर्मिनल होता है वो अर्थिंग का होता है, और जो ये जहां पे L लिखा होता है फ्रेंड्स वो लाइन का होता है, यानी कि फेज कनेक्ट होता है वहां पे, और जहां पे N लिखा होता है वहां पे न्यूट्रल कनेक्ट होता है, ठीक है। तो यहां पे न्यूट्रल होगा और यहां पे फेज होगा, और ये स्विच होते हैं फ्रेंड्स। स्विच के एक नीचे वाले पॉइंट पे हम कॉमन करके फेज वायर दे देंगे और ऊपर वाले से हम आउटपुट लोड ले लेंगे। तो चलिए हम इसकी वायरिंग करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स जो स्विच है, स्विच से हमारी सॉकेट को कनेक्शन होगा, तो हम यहां पे एक वायर जोड़ेंगे और इस वायर को हम इस वाले सॉकेट के L वाले पॉइंट पे जोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स हमने यहां से यहां पे कनेक्ट कर दिया है। अभी जो ये दूसरा स्विच है इसको इस सॉकेट के साथ कनेक्शन करना है, तो यहां पे और इसको यहां भी इस वाले पॉइंट पे। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं इसका पॉइंट यहां पे कनेक्ट हो गया है, इसका पॉइंट यहां पे कनेक्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स जो आप ये न्यूट्रल वाले पॉइंट देख सकते हैं, यहां पे एक वायर यहां पे जोड़ेंगे, इसी वायर को हम दूसरे वाले पॉइंट पे जोड़ देंगे जो कि हमारा कॉमन पॉइंट बन जाएगा। तो हम एक ब्लैक कलर की वायर लेंगे, इसको हम जोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स ये कनेक्शन हो गया है। अभी जो हमारे जो स्विच है फ्रेंड्स, उसके जो नीचे वाले पॉइंट है उसको हम एक छोटे से वायर की सहायता से दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। तो हमारे पास ये वायर है, इसकी सहायता से इसको जोड़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहां पे ये दोनों को कनेक्ट कर लिया है। अभी बारी आती है फ्रेंड्स इसके अंदर अर्थिंग की। तो ऊपर वाले जो अर्थिंग के पॉइंट होते हैं फ्रेंड्स, उनको हम एक वायर की सहायता से कनेक्ट कर लेंगे और अर्थिंग की वायर कनेक्ट करेंगे। लेकिन क्या है, हमारे घर पे अभी अर्थिंग की हुई नहीं है, तो हमें इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर आपके घर में अर्थिंग कर रखी है तो आपने ये अर्थिंग की वायर भी कनेक्ट कर लेनी है। फ्रेंड्स अभी बारी आती है जो मेन इनकमिंग फेज और न्यूट्रल आएगा, जो मेन इनकमिंग फेज और न्यूट्रल आएगा फ्रेंड्स, वो इन वायर की सहायता से आएगा। रेड कलर से फेज आएगा और येलो कलर से न्यूट्रल आएगा। तो हम रेड की जो फेज वायर है, रेड कलर की वायर है, इसको हम जो स्विच के नीचे वाले पॉइंट को हमने शॉर्ट किया था वहां पे एक पॉइंट पे इसको कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स हमने रेड कलर की वायर, जो फेज वायर है, उसको हमने यहां पे कनेक्ट कर लिया है। और जो अभी फ्रेंड्स येलो कलर की जो न्यूट्रल वायर है उसको हम क्या करेंगे, जो हमने नीचे का ये 2 पॉइंट बनाए थे उनमें से एक पॉइंट पे इसको कनेक्ट कर देंगे ताकि हमारा न्यूट्रल बन जाए और न्यूट्रल कॉमन आ जाए इसके अंदर। तो इसी के अंदर हम इसको कनेक्ट कर। तो फ्रेंड्स हमने यहां पे भी न्यूट्रल को कनेक्ट कर लिया है। अभी फ्रेंड्स जो हमारे पास बॉक्स है, ये आप देख सकते हैं, ये इसका बॉक्स है, हमारे पास ये पुराना था, आपको सिखाने के लिए इसको लेके आए हैं।
तो इसके ऊपर इसको फिट करने वाले हैं। लेकिन इसको फिट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके यहाँ से होल से वायर को निकाल लेंगे, जो होल है ये, ठीक है, यहाँ पे होल, और यहाँ पे एक हम गांठ लगा लेंगे ताकि इससे बाहर ना निकले, वायर का खिंचाव डायरेक्ट टर्मिनल पे ना पड़े, ठीक है। तो इसके ऊपर ही हम यहाँ पे गांठ लगा लेते हैं और इसके अंदर इसको डाल के निकाल लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे दोनों पे हम इन पेच की सहायता से इसको टाइट कर देते हैं। पेच टाइट होने के बाद फ्रेंड्स, जो हमारी ये सीट है इसको हम ऊपर इस तरह से इसको फिट कर देंगे। तो ये एक मॉड्यूलर टाइप एक्सटेंशन बोर्ड बनके हमारा तैयार हो गया है और यहाँ पे हम एक टू पिन टॉप लगा के हम इसको यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपने सीख लिया दो सॉकेट दो स्विच के कनेक्शन कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्या बनाना है आप कमेंट करके हमें जरूर बताना टॉपिक। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।